हेलो दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद आरएसए पे। तो दोस्तों, हम लोग आज आप लोगों को बताएंगे कि प्रस्थापन विधि द्वारा कैसे एक्स वाई का मान निकाला जाता है। दोस्तों, हम उससे पहले लेंगे एक समीकरण जो प्रश्नावली 3.3 का होगा, क्लास 10th के। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम लिए। ठीक, तो दोस्तों इसमें क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो दोस्तों ये है हमारा कोई एक समीकरण। ठीक है, इसमें हमें एक्स वाई का मान प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा, हम आपको एकदम विधि से बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें किसी समीकरण को लेते हैं, मान लीजिए समीकरण एक ले लेते हैं। तो इसमें लिख देंगे समीकरण एक से। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करना पड़ता है हमें कि जा है 14 की तरफ एक्स को भेज दें या फिर वाई को भेज दें। तो हमको किसी एक को भेजना है, तो हम लोग पहले वाई को ही भेज देते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा 14 और माइनस वाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा एक्स बराबर हो गया इतना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो इसे बोलते हैं ऐसे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों इससे क्या होता है कि हमें जब एक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा वाई का, क्योंकि दोनों जो चर संख्या हो जाएगी वाई बचेगी और एक्स वहाँ एक्स के स्थान पे हम मान रख देंगे। तो ठीक है, तो दोस्तों हमारा समीकरण 2 देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक्स का मान रखना है हमें, क्या एक्स का मान 14 माइनस वाई रखना है, तभी चर वाली संख्या वाई वाई बचेगी। तो यहाँ दोस्तों एक्स के स्थान पे 14 माइनस वाई, तो यहाँ लिख देंगे 14 माइनस वाई हो गया। और ये फिर माइनस लगाए माइनस, फिर वाई है तो फिर वाई लिख देंगे, और बराबर 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है किसमें दोस्तों, देखिए ये जो अचर संख्या है मतलब 14 है और ये 4 है, तो 14 को 4 की तरफ भेज देंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा -2i और बराबर 14 माइनस वो 4 माइनस ये अब आएगा 14। ठीक है, अब यहाँ ये बचा -2i और ये हो जाएगा बराबर 14 में से 4 जाएगा बचेगा -10, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा कट जाएगा, और ये 2 × 10। तो दोस्तों हमारा वाई का मान यहाँ आ चुका है, 5 आया। दोस्तों अब क्या है, हम लोग वाई का मान किसी भी समीकरण में रखकर एक्स का मान भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे, ऐसे हमें लिखना पड़ता है वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा था दोस्तों x प्लस वाई बराबर 14। तो हम लोग पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो इसमें y के स्थान पे हमें रखना है 5, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस लगाए प्लस लगा देंगे, y बराबर 5 है तो 5 लिख दीजिए, अब बराबर है 14। ठीक है, अब एक्स बराबर हो जाएगा ये 14, तो 14 अपने स्थान पे रहेगा, और ये 5 14 की तरफ, ये 14 है और ये 5 इधर आएगा। ठीक है, अब क्या है, ये 14 में से दोस्तों 5 जाएगा, बचेगा 9। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकल आया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।